विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है इसे हमें सॉल्व करना है। x प्लस 33 डिवाइड बाई 35 प्लस x प्लस 50 डिवाइड बाई 29 प्लस x प्लस 27 डिवाइड बाई 64 इक्वल 6 गिवन है। यहाँ पर हमें x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान रहे कैलकुलेटर नॉट अलाउड विदाउट कैलकुलेटर इसे सॉल्व करना है। x प्लस 33 डिवाइडेड बाई 35 प्लस x प्लस 50 डिवाइडेड बाई 29 प्लस x प्लस 27 डिवाइडेड बाई 64। ये प्लस 6 है ये साइड में लगा तो नेगेटिव 6 बनेगा इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये है नेगेटिव 6 राइट। इस नेगेटिव 6 को हम नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 से समेशन कर दो। नेगेटिव 1 प्लस नेगेटिव 2 प्लस नेगेटिव 3 मीन्स नेगेटिव 6 ही बनता है, सेम बनते हैं ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे हम, ये जो नेगेटिव 1 है इसके साथ जोड़ी कर दो, ये नेगेटिव 2 है फर्स्ट वन के साथ जोड़ी कर दो, नेगेटिव 3 है सेकेंड वन के साथ जोड़ी कर दो। सबसे पहले मैं नेगेटिव 2 ले लूँगा, ये फर्स्ट वन के साथ जोड़ी कर दूँगा, तब ये x प्लस 33 डिवाइडेड बाई 35, यहाँ पर ये नेगेटिव 2 मैं इसके साथ जोड़ी करूँगा तो माइनस नेगेटिव 2 हो गया डिवाइड बाई 1 समझ लो ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर होना है तो इसको ब्रैकेट डालेंगे। अभी ये नेगेटिव 2 यूज़ किया इसमें तो नेगेटिव, अभी नेगेटिव 3 यूज़ कर दो, ये सेकंड वन के साथ जोड़ी कर दो। तो सेकंड वन के साथ अगर नेगेटिव 3 जोड़ी किया तो ये बीच में तो प्लस आ जाएगा, तो नेक्स्ट एक्स प्लस 50 डिवाइड बाई 29 ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव 3 है ये इसके साथ अगर जोड़ी कर रहे तो माइनस 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 कर दो ठीक है। तो इसे भी होना है तो आप ब्रैकेट डाल सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन बच गया माइनस 1 ओनली, तो ये थर्ड वन के साथ वो माइनस 1 जोड़ी कर दो, x प्लस 27 डिवाइडेड बाई 64 ये क्या बनते हैं, नेगेटिव 1 के साथ अगर जोड़ी किया गेस के साथ तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1 ही रहेगा। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट डाल सकते हैं, इक्वल्स ये 0 है तो 0। इसमें एलसीएम ले लीजिए, अगर एलसीएम यहाँ पर 35 है, 35 आ रहा है एलसीएम, तो यहाँ पर 35 कट हो गया 1 आता है, 1 के साथ वो एक्स प्लस 35 को 33 को मल्टीप्लिकेशन किया तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पर वो इस 35 को 1 से किया तो 1 35 आ जाएगा, 35 माइनस 2 मीन्स यहाँ पर 70 आ जाएगा किया गया, ये फर्स्ट वन हो गया। प्लस यहाँ पर 29 एलसीएम आ रहे हैं, 29 को 29 कट किया तो 1 आ रहे, 1 के साथ x प्लस 50 मल्टीप्लीकेशन किया तो 1 सेम ही रहेगा, तो नेगेटिव टाइम्स 1 के साथ ये 29 तो 29 रहेगा, 29 इंटू 3 मीन्स यहाँ पर 87 रहेगा, 87 बचेगा ठीक है। तो यहाँ पर अगर एलसीएम लिया तो 64 टाइम्स x प्लस 27 माइनस क्या रह रहे यहाँ पर 64 इज इक्वल टू 0। x प्लस 33 माइनस 17 माइनस 70 मीन्स यहाँ पर माइनस 37 रहेगा क्योंकि नेगेटिव बड़ा है डिवाइडेड बाई 35 एज यूजुअल, ये ब्रैकेट प्लस यहाँ पर x प्लस 50 माइनस 87 में x माइनस 37 यहाँ पर भी रहेगा लेकिन डिवाइड बाई 29 यहाँ पर रहेगा, प्लस x प्लस 27 माइनस 64 में x माइनस यहाँ पर भी 37 रहेगा डिवाइडेड बाई 64 हो जाएगा इक्वल 0। तो इन तीनों में देखो x न्यूमरेटर में देखो x माइनस 37 यानी ऑल टर्म में न्यूमरेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का हम x माइनस 37 क्या करेंगे बाहर आउटसाइड ले लेंगे, तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या आ रहा है अभी 1 डिवाइड बाई 35 इसमें आ रहा है क्योंकि x माइनस 37 बाहर आ गए, तो प्लस यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 29 आ रहे हैं प्लस थर्ड टर्म में 1 डिवाइड बाई 64 रिमेनिंग रह रहे हैं इक्वल 0। ये दो फैक्टर्स है, दो फैक्टर्स का इक्वल 0 बन रहे हैं, तो इसमें एक फैक्टर 0 रहेगा ही रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे हम x माइनस 37 इज इक्वल टू 0 एक बन रहे, तो ये राइट साइड में लो तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिल रहा है पॉजिटिव 37 राइट, ये x का वैल्यू 1 मिल गया। तो सेकेंड टर्म 0 है क्या बन रहे, 1 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 29 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 64 ये भी 0
इस फैक्टर को भी जीरो बन रहे हैं, लेकिन ये सब पॉजिटिव टर्म्स है तीनों, 1/35 प्लस 1/25 यानी पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव, ऑल टर्म्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इक्वल जीरो बोल रहे हैं, ये तो नहीं होने का काम। सब अगर पॉजिटिव रहा तो इधर भी पॉजिटिव रहेगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है, तो इसे हम रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड। तो ओनली इसे एक को एक्सेप्ट कर दो। तो हमें निकालना था x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, 37। अगर हम 37 इस गिवन इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे तो लेफ्ट साइड इक्वल्स राइट साइड बनते या नहीं बनते, तो x का वैल्यू यहाँ पर हमें मिला है 37। सबसे पहले हम जो इक्वेशन गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे, x प्लस 33 डिवाइड बाई 35 प्लस x प्लस 50 डिवाइड बाई 29 प्लस x प्लस 27 डिवाइडेड बाई 64 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको x दिख रहे हैं यहाँ पर 37 नोट डाउन कर लो, तो पुट कर दो, तो 37 x के जगह में 37 पुट किया प्लस 33 डिवाइडेड बाई 35 से प्लस यहाँ पर x के जगह में 37 पुट किया प्लस 50 डिवाइड बाई 29 प्लस यहाँ पर x के जगह में 37 पुट किया तो 27 डिवाइडेड बाई 64 इज इक्वल टू 6 होते क्या, 37 प्लस 33 कितना बन रहे, 70 बन रहे, 70 डिवाइडेड बाई एक भी नीचे का 35 प्लस 37 प्लस 50 और 87 बनते हैं, 87 डिवाइड बाई यहाँ पर 29 है, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर 37 प्लस 27 64 होते हैं, 64 डिवाइडेड बाई 64 क्या तीनों का समेशन 6 है, 70 डिवाइड बाई 35 मीन्स दोनों अगर कट किया तो 2 बनते हैं प्लस 29 यहाँ पर 3 प्लस 64 गया तो यहाँ पर 1 रिमेनिंग रहेगा, क्या इनका सबका समीशन 6 आते हैं, यस, यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 1 इज 6 इज इक्वल टू 6, यस ट्रू, यानी एल एच एस इक्वल्स आर एच एस, यानी एक्स इक्वल्स जो 37 हमें मिला है ये वैलिड सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।